अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़े की वीडियो है, ठीक है। वो हेयर स्टाइल से रिलेटेड है क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि, वैसे तो ये हमेशा ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऑनेस्टली बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कह रही थी कि हेयर स्टाइल्स के ऊपर भी वीडियो बना दे। ईद पे हम, गर्मी है जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा काफ़ी गर्मी होने वाली है ईद पे, और इस तरह के हेयर स्टाइल्स हों जिनमें हमें गर्मी भी ना लगे और हम खूबसूरत भी लगे हैं, ठीक है। उन्हें थोड़े से अच्छे भी हों हेयर स्टाइल जो हैं, वो थोड़े से हट कर भी हों रूटीन से, लेकिन उनमें आपको गर्मी भी ना लगे। तो इस तरह के हेयर स्टाइल्स आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए। और जो लड़कियाँ, यानी कि जो टीनएजर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि टीनएजर्स के लिए कुछ लाया करें स्पेशल, तो इस वीडियो में उनके लिए भी हेयर स्टाइल्स हैं, ठीक है। शॉर्ट हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, हर तरह की हेयर्स जो हैं वो आप ये वाले हेयर स्टाइल्स उन पर कर सकते हैं। तो बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जनाब, सबसे पहला हेयर स्टाइल जो है वो हम खुले बालों का करेंगे। मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आगे मैंने आपको हेयर स्टाइल्स भी मैं सजेस्ट करूँगी, लेकिन अभी जो है हम टीनएजर्स के लिए करें जिनके बाल शॉर्ट्स हैं और जो है वो बाल खुले रखना चाहते हैं। तो सिंपल ट्विस्ट आप अपने दोनों साइड से बालों को करेंगे और वल्लाह आप जो हैं वो बहुत हसीन लगेंगे, क्योंकि लाइट मेकअप, लाइट ड्रेसेस के साथ इस तरह का हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यू नो ओवर भी नहीं होता, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लगता और बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे से आप लग सकते हैं। और आप जो है सबसे बड़े मज़े की बात कि अगर आपके बाल हल्के से ऑयली भी हो रहे हैं ना, तो भी आप ये हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये टीनएजर्स के लिए ख़ास तौर पर है। और या अच्छा जी, सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने अपने बालों को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है हमेशा की तरह, और अब मैं एक साइड से जो है अपने बालों की ब्रेड बना रही हूँ। आप किस पे कोई किसी भी तरह की ब्रेड बना सकते हैं, जिस तरह की भी आपको आती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि आपको सेम तरीके से बनानी है। ये वन साइडेड ब्रेड जो है वो स्टाइल है, यानी कि आप एक साइड से ब्रेड बना के उसको बहुत अच्छे तरीके से पिनअप कर लेंगे, और इस साइड के सारे बाल जो है आपने पीछे की तरफ कर लेने हैं, और जो दूसरी साइड है आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है, बल्कि उसको बहुत अच्छे तरीके से कंघी कर लें, और आप जो है वो बहुत अमेजिंग लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी ये वाली साइड जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, उसको मैं पिन से मज़ीद सिक्योर करूँगी। और आपने बस बालों को ना नीट रखना है, मतलब आपने बार बार कॉम करते रहना है ताकि आपके बाल नीट हो, किसी भी तरह से आपके बाल उलझे हुए ना हो, ट्रिंगल्स ना पड़ी हो, ठीक है। और यहाँ से एक साइड से जो है मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी, जबकि दूसरी साइड पर मैंने जो है वो ब्रेड बना लिया। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इसमें बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है। एनीवेज़ आप मूव करेंगे हम अपने तीसरे हेयर स्टाइल की तरफ, और ये हेयर स्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बेसिकली ये तीनों फर्स्ट तीनों हेयर स्टाइल जो हैं वो खुले बालों के लिए हैं। जो लोग भी, जो लड़कियां चाहती हैं कि ईद पर अपने बाल खोल के रखें, वो ये तीनों हेयर स्टाइल कर सकती हैं, उन पर सूट भी करेंगे, प्यारे भी लगेंगे और बहुत ज़्यादा सिंपल ईजी हैं। और इसमें कोई भी एक्सेसरीज जो है वो मैंने यूज़ नहीं की हुई, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपने थोड़ा सा जो है वो अपने यू नो दिमाग को इस्तेमाल करके अपने बालों को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि अपने बालों को आपने टाइट नहीं करना, बिल्कुल ढीले ढीले बालों के रफ़ रफ़ से हेयर स्टाइल बनाने हैं, वो आप पे बहुत नेचुरल लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सूट भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोनों साइड की ब्रेड बनाऊंगी और आप देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये इस तरह के हेयर स्टाइल हैं जो कि थोड़ी सी ज्वेलरी, थोड़े से मेकअप और लाइट ड्रेसेस के साथ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे, ट्रेंडी हैं और बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी हैं, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इन हेयर स्टाइल्स को देखो और आप बोलोगे यार ये तो बहुत टफ़ है, हमसे नहीं हो पाएगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आप इनको सिर्फ ईद पे ही नहीं बल्कि ऐसे भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आप इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये तीसरा हेयर स्टाइल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि मेरी लुक तकरीबन चेंज हो चुकी है। और यस, ऑल राइट जनाब, आप मूव करेंगे अपने फोर्थ हेयर स्टाइल की जानिब। और ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये उन तमाम लड़कियों के लिए जिन्होंने अपनी सारी ईद किचन में गुजारनी है, या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो अपने बाल नहीं खोल सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने फ्रंट वाले बालों को स्लीक
मैं यहाँ पे स्लीक लोअर बन बनाने वाली हूँ बेसिकली। सामने से दो मैंने अपने बाल निकाल लिए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता ही है कि मेरा कोई भी हेयर स्टाइल मेरे आगे वाले बालों के बगैर अधूरा होता है, ठीक है। तो वो करने के बाद जो पीछे वाले बाल हैं उनको मैंने ट्विस्ट किया और देन उनको मैंने पोनी में और पिंस की मदद से सिक्योर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और ये लोअर बन है, इसको मैंने ऊपर की तरफ नहीं किया बल्कि नीचे की तरफ जो है वो सिक्योर किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा कूल, यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और फिफ्थ हेयर स्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। हेयर स्टाइल जो है वो आपको गर्मी से कोसों दूर रखेगा और इसमें भी आप बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे, फैशनेबल लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा यू नो एक ईद की सी लुक भी आएगी और आप गर्मी से भी बचेंगे। बेसिकली ये पोनी टेल मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने अपने दोनों तरफ से बालों को ट्विस्ट करके मैं उनको पिंस में सिक्योर करूँगी, और जो पीछे वाले बाल हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऊपर करके, यानी कि उनकी मैं पोनी बना रही हूँ। टेल जो है वो आपने रबर बैंड में जो है वो अपने बालों को सिक्योर कर लेना है। बहुत हाइट पोनी टेल नहीं है, ये लोअर पोनी टेल है और ये बहुत अच्छी लगती है, यूनिक भी लगती है। और इसके साथ आप इयररिंग्स पहन लें, आप इसके साथ ज्वेलरी जितनी मर्जी पहन लें, आप उसमें बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी लगेंगे, साथ में आपकी ईद लुक भी लगेगी उसमें कंप्लीट। ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर में मासी बन के घूम रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कूल लगेंगे और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर जो फ्रंट पे मेरी ट्विस्ट थी मैं उनको नीट कर रही हूँ पोनी। एक दफ़ा पोनी टेल जब मैंने कर ली, पोनी में पिछले बार सारे सिक्योर हो गए हैं, और अब मैं फ्रंट से अपने जो ट्विस्ट है उनको बहुत ज़्यादा नीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़े से रफ़ लग रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा से ओपन करके फिर सारे बालों को अगेन मैं पिंस की मदद से, वो भी पिन की मदद से सिक्योर कर रही हूँ। जी ये हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि सही में। खैर अब अपने सिक्स हेयर स्टाइल की जानी बढ़ेंगे, और ये जो है ये ब्रेड बनाने जा रही हूँ मैं सिंपल। और इसमें जो मैंने फ्रंट के बाल अपने थोड़े से निकाल लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्विस्ट करूँगी। ये थोड़ी सी ना मतलब अलग तरह की ट्विस्ट है, आपने अपने बालों को ऊपर करके ट्विस्ट नहीं करना बल्कि अपने कान के करीब करना है, यानी कि कान के करीब थोड़ा सा ट्विस्ट करके अपने बालों को, ताकि उनमें वॉल्यूम भी लगे और वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगे। इस साइड से आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं दूसरी साइड से करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बालों को ट्विस्ट करके उनको बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करना है बॉबी पिंस की मदद से। एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने कान के पास से इवन अपने सारे बाल उठा लिए हैं। एक अमाउंट इतनी लेनी है अपने अपने बालों की कि बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। और उसके बाद जब आप उनको सिक्योर कर लेंगे ट्विस्ट को, तो उसके बाद सारे बाल अपने फ्रंट पे लेके आके आपने छुट्टियाँ करनी है, ठीक है। ये फ्रंट साइड मतलब एक साइड वाली छुट्टियाँ, ये पीछे नहीं जाएगी बल्कि ये आगे से करेंगे। और अगर आपके बाल छोटे हैं तो ये उनकी भी हो जाएगी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत यूनिक लगती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी फैशनेबल आप इसमें लगेंगे, और आपकी लुक जो है ना ईद लुक वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, आप चाहे जितना मर्ज़ी किचन में खड़े होकर काम कर लें या जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, आप बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होंगे इस हेयर स्टाइल में। ये जी हेयर स्टाइल हो चुका है कंप्लीट, और लुक यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रही है। देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसके साथ दुपट्टा भी आप ले लें, जो भी ले लें, जिस तरह से भी ले लें, आप बहुत अच्छे लगेंगे। खैर अब मूव करेंगे अपने सेवन्थ और लास्ट हेयर स्टाइल में। ये भी जो है वो ब्रेड है, और ये जो है मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ खजूरी चुटिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पर आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। मेरी खजूरी चुटिया में बिल्कुल भी नीटनेस नहीं थी और मुझे नीटनेस चाहिए ये भी नहीं थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा रफ़ तरीके से मैंने इसको बनाया है। पहले अपने दरमियान से सेंटर से मैंने तीन बल लिए हैं, उसके बाद मैं साइड से एक साइड से पहले ले रही हूँ एंड देन दूसरी साइड से लेके बस दो बल डाले हैं मैंने इस तरह से। और उसके बाद तीसरे बल में मैंने अपने सारे बालों को, यानी कि सारे के सारे बालों को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके चुटिया में ऐड कर लिया है। और उसके बाद जो है हमें इनको चुटिया करके आपको दिखाती हूँ कि फिर क्या करना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे बालों की चुटिया कर ली है, और ये जो है ना ये जब कंप्लीट हो जाएगा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा रफ़ होता है, रफ़ करना चाहिए, रफ़ अच्छा लगता है। और उसके बाद आप उसको बॉबी पिंस के साथ सिक्योर कर लें, जो आपको बाल रफ़ लगता है उनको खुद ही नीट कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने बालों की चुटिया कर ली और अब मैं फ्रंट से अपने बाल निकाल रही हूँ जितने मुझे निकालने हैं। और आप देख लीजिएगा ये साइड से आपको लग रहा होगा कितने गिर रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से सिक्योर कर लूँगी और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये रफ़ चुटिया बनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरफ के बालों को सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ एंड देन मैं दूसरी साइड से करूँगी। और ये जो इस तरह का हेयर स्टाइल है ना, ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि हम एशियन स्किन टोन के लोग हैं। हमारी ड्रेसिंग, हमारे मेकअप, हमारे जो है वो हर चीज़ के साथ इस तरह के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और इवन ख़ास तौर पर जो है वो
ईद शादी इस तरह के इवेंट्स पे इस तरह के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे बाल जो हैं वो पोनी में सिक्योर हो चुके हैं और ना मुझे गर्मी लग रही है और ना ही जो है वो मेरी हालत ख़राब होगी और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगूंगी इसके साथ। ठीक है, और जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और इजी हेयर स्टाइल्स थे, बहुत इजी हेयर स्टाइल्स थे। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, कोई भी इनको कर सकता है, कोई एक्सेसरी मैंने यूज़ नहीं की था कहीं की, हर बंदा आराम से इनको कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।